तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भोयर, आप सभी का स्वागत है विजय भोयर फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा एक्सरसाइज वीडियो है बाइसेप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बाइसेप की एक्सरसाइज में कन्फ्यूज़न होता है, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊँगा बाइसेप के लिए, जिससे आपका बाइसेप का टोन भी अच्छा होगा और बाइसेप का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये एक्सरसाइज दोनों के लिए, जेंट्स भी कर सकते हैं और लेडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ बाइसेप की स्ट्रेचिंग, क्योंकि बाइसेप की स्ट्रेचिंग कोई भी मसल ले लो, आप स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मसल को रिलैक्सेशन करना जरूरी है ताकि हमारा मसल रिकवर होए। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हम जो पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बाइसेप के लिए, बारबल कर्ल। तो आपको स्ट्रेट बार पर इस तरह आपकी ग्रिप पकड़नी है। जब भी आप बार को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो तो आपको वहाँ पे मसल को, बाइसेप को अच्छी तरह से स्क्वीज करना है और वहाँ पे ब्रीद आउट करना है। जब भी आपका बार नीचे आता है वहाँ पर आपको मसल को रिलीज़ करना है, इससे आपका बाइसेप का टोन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बाइसेप का साइज़ भी ग्रोथ होगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें एक गलती करते हैं कि जब भी आप बाइसेप का बार ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो तो बाइसेप आपका पीछे चले जाता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सामने की ओर लिफ्ट करना है बार को। इस प्रकार इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको करने हैं 10। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सेकंड, डंबल्स कर्ल। ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है, बाइसेप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारा बाइसेप टोन के लिए। तो आपको इसमें सेम रिपीटेशन करने हैं, ताकि जैसे कि लेफ्ट हैंड से आपने 12 रिपीटेशन लिए तो राइट हैंड से भी आपको 12 ही रिपीटेशन लेने हैं। तो इस तरह आपको डंबल जब आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हो तो आपको मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है और ब्रीद आउट करना है। आप डंबल्स को नीचे लेके आते हो तो आपको मसल को रिलीज़ करना है और धीरे धीरे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बारबल पीचर्स कर्ल, ये आपके बाइसेप के पिक के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आपका पिक अच्छे से ग्रोथ होता है, अच्छे से ट्रेन होता है। आपको बार की ग्रिप इस प्रकार पकड़नी है, शोल्डर के लेवल से रेंज आनी चाहिए और जब आप ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो बार को, वहाँ पे आपको ब्रीद आउट करना है और बाइसेप को अच्छे से ट्रेन करना है। इस तरह आपको इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन करने हैं 10 और आपको इसके 3 सेट करने हैं। इससे आपका बाइसेप का जो पीक है अच्छे से ग्रोथ होगा और आपका बाइसेप का टोन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल कंसंट्रेशन। आपको डंबल कंसंट्रेशन करते वक्त इस प्रकार आपके एल्बो को लेग पे रखना है और डंबल्स को अपने अपोजिट चेस्ट के इधर लिफ्ट करना है। तो आपको ये सेम रिपीटेशन करने हैं दोनों हाथों से, क्योंकि एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, सेम रिपीटेशन करने हैं। और जब भी आप डंबल्स को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो आपको मसल को, बाइसेप को अच्छी तरह से स्क्वीज करना है और वहाँ पे आपको ब्रीद आउट करना है यहाँ पे, और इस तरह आपको मसल को नीचे जब आप डंबल्स को लेके आते हो रिलीज़ करना है। हमारी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल्स हैमर, ये आपका बाइसेप अच्छे से पम्प होता है, इसमें बहुत अच्छा पम्प हो जाता है और इसको भी आपको सेम रिपीटेशन करने हैं बोथ हैंड। तो ये एक्सरसाइज करते हो आपको ध्यान देना है आपका जो बाइसेप है पीछे ना जाए ज़्यादा, इस तरह आपको आगे की ओर लिफ्ट करना है अपने डंबल्स को और सेम रिपीटेशन लेने हैं 10 रिपीटेशन। तो दोस्तों, अभी हमारा बाइसेप की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मसल की एक्सरसाइज होने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम बाइसेप की स्ट्रेचिंग करते हैं कि कौन सी स्ट्रेचिंग हमें करना चाहिए जब हमारा बाइसेप की एक्सरसाइज होने के बाद। तो फर्स्ट है, आप हाथ को सीधा लीजिए, इसको होल्ड कीजिए और इस तरह बाइसेप को स्ट्रेच कीजिए। आप देख सकते हो इसको थोड़ा होल्ड करना है 10 सेकंड। सेम दूसरे हाथों को भी वही करना है, ऐसा होल्ड कीजिए, बाद में बाइसेप को इस प्रकार स्ट्रेच कीजिए 10 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है, हाथ को सीधा लीजिए और हाथ को इस तरह स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कर लिए
10 सेकंड होल्ड करना है, ओके। उसके बाद में हाथ को सीधा करके ये पोजीशन में होल्ड करना है। इसमें आपका ट्राइसेप भी स्ट्रेचिंग हो जाएगा और बाइसेप भी, और नेक्स्ट है हाथ को सीधा कीजिए और इसको इस तरह दबाइए, होल्ड, सेम हैंड। यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है ताकि आपका बाइसेप अच्छे से स्ट्रेच हो। तो हमारी बाइसेप की स्ट्रेचिंग हो गई है। तो कोई भी मसल की आप एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतनी मसल को रिकवरी करिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने बाइसेप की एक्सरसाइज की है। ये एक्सरसाइज बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए है, बाइसेप की अच्छा टोन बनाने के लिए, बाइसेप का साइज ग्रोथ करने के लिए। तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो नए सब्सक्राइबर है तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम इस तरह की वीडियो लेके आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच।